ज्योतिष गुरु डॉक्टर नरेंद्र दीक्षित के सानिध्य में संकट मोचन मंदिर में विशाल भंडारा बांदा। संकट मोचन परिसर में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर ज्योतिष गुरु डॉक्टर नरेंद्र दीक्षित ज्योतिषाचार्य के सानिध्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ज्योतिष गुरु डॉक्टर नरेंद्र दीक्षित ने बताया, मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है। इस समय सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। इस समय किए गए जप दान का अनंत गुना फल होता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर स्नान को अत्यंत शुभ माना गया है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों में प्रवेश करते हैं, किंतु मगर और कर्क पर प्रवेश विशेष रूप से धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पर्व पर प्रयाग और गंगा सागर में स्नान को महान की संज्ञा दी गई है। मकर संक्रांति में भगवान सूर्य की आराधना और दान पुण्य का विशेष महत्व है। संकट मोचन मंदिर में भंडारे के शुभ अवसर पर चंद्रशेखर तिवारी, पूर्व सैनिक भारत सरकार, कथा प्रवक्ता राजेंद्र द्विवेदी, था कुंवर मान सिंह गौतम, पूर्व प्रधान, सुरेश सिंह करहुली, कुलदीप त्रिपाठी, पत्रकार सुशील शुक्ला, बबलू अग्निहोत्री, शिव किशोर मिश्रा, राजा सिंह प्रधान नायक, रामानुज अवस्थी, पूर्व सैनिक प्रमोद मिश्रा, तबला वादक रामस्वरूप गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। महाराज जी, आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये क्या कार्यक्रम और किस उपलक्ष्य को लेकर किया गया है? आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति होती है, एक विशेष प्रकार की ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा में अगर जितना भी दान पुण्य किया जाता है, स्नान और दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है। जो दान पुण्य किया जाता है उनसे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। देखिए, जो मकर संक्रांति है, आज के दिन हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा रही है कि हम सब लोग प्रातः स्नान करते थे। स्नान करने के बाद हम लोग दान पुण्य करते थे, गरीबों की सेवा करते थे, क्योंकि नर में ही नारायण का वास होता है। इसलिए मनुष्य की सेवा, लोगों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा हमारी संस्कृति का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज के दिन संकट मोचन परिसर पे दिव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे साथ सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। हम सब लोग मिलकर के लोगों को खूब पर्याप्त भरपेट खाना खिलाया गया। और यह पर्व जो है हमारी संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व में दान का अधिक से अधिक महत्व है। आज जो भी आप दान करेंगे उसका आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा।